आज हम बनाने जा रहे हैं काले छोले यानी कि ब्लैक चने की सब्जी, वो भी बिना घी या तेल के, जीरो ऑयल में। तो चलिए इसे मेरे साथ जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी काले चने लिए हैं, जिसे मैंने रात भर पानी में सोक कर दिया है। और इसे हम 5 से 7 विसल्स दिलवाएंगे। 5 से 7 विसल्स दिलवाने के बाद एक बार हम चेक करेंगे चने अच्छे से पक चुके हैं। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके लिए एक नॉनस्टिक पैन लिया है, जिसमें कोई भी घी या तेल मैंने नहीं ऐड किया है। उसमें लो फ्लेम पे हमने चॉप्ड प्याज और एक अनियन का पेस्ट डाला है, साथ ही जीरा ऐड किया है, जिसे लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, अच्छे से इसे भूनेंगे। साथ ही इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें चॉप्ड हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये प्याज बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वो जल्दी से इसे पकने में हेल्प करेगा। नो ऑयल कुकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि हमें फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका जो मसाला है वो नीचे लग सकता है। अब हम इसमें टमाटर की ग्रेवी ऐड करेंगे, जिसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे प्याज में और धीमी आंच पे ही पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें चना मसाला ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से हिलाएंगे। और कुछ उबले चने मैंने निकाल लिए थे, इन्हें मैश करके मैं ग्रेवी में डालूंगी। इससे जो ग्रेवी है वो बहुत थिक हो जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देती है। बॉइल्ड मैश चने मैंने ऐड किए हैं, साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी में और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और एक उबाल आने देंगे, ताकि अच्छे से जो ग्रेवी है वो धीमी आंच पे हमारी पक जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है, और देख के कोई भी ये नहीं बोल सकता इसमें घी और तेल नहीं है। अब इसमें 1 चम्मच दही ऐड करेंगे, घर का जमा हुआ ये दही है। आप इसे ऐड करने के बाद लगातार 1 से 2 मिनट हिलाते रहें, नहीं तो ये फट सकता है और ये जल्दी से ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा। अच्छे से इसे हिलाने के बाद आप देखेंगे अब इसमें उबाल आ गया है, हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। और अब हम इसमें अपने उबले हुए जो चने हैं उन्हें ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ग्रेवी भी अच्छे से हो चुकी है, चने भी अच्छे से उबल गए हैं, तो ये अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो हम इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। और अगर आपको चावलों के साथ खानी है तो आप इसे थोड़ा तरीदार रख सकते हैं। अगर आपने चपाती के साथ खानी है तो आप इस ग्रेवी को थोड़ा सा तरी को और सुखा सकते हैं, वो बिल्कुल आप पर है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है और बहुत ही टेस्टी ये बन के भी तैयार हुई है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।